अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सभी? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और दोस्तों, अभी मैं बगीचे में आ गया हूँ। मैं अभी डंगे डाल रहा था। आप कमेंट में बताना आपने कभी डंगे डाले हैं। दोस्तों, अभी एक गाय मेरे पीछे आ रही थी। एक गाय, पता नहीं किसे क्या हो गया, मेरे पीछे ही आ रही है। दोस्तों ये मेरे सच में ही पीछे आ रही है। और दोस्तों, अभी मैं बगीचे आ रही हूँ, यहाँ का व्यू चेक कर लें दोस्तों आप पूरे। अभी ये पता नहीं से क्या कहते हैं, मैं अभी भूल गया बोल बोल कर। ये बहुत बड़ी हो गई है। और मैं आपको एक चीज़ की अपडेट दे रहा था, वो अभी मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। वो चीज़ है ये हाड़ियों का दरख्त, इसे मैं दिखाता हूँ। देखें, ये पूरा ग्रीन हो गया है, इसके ऊपर हाड़ियाँ भी अभी लग रही हैं। और ये दोस्तों, ये फगवाड़े के दरख्त के ऊपर भी पत्ते लग गए हैं। और ये सामने गाय है, वो मेरे पीछे आ रही थी काओ। और ये कब्रिस्तान है दोस्तों। और दोस्तों, ये सामने क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं इसलिए नहीं जा रहा, मुझे गेंद लग जाएगी, बॉल लग जाएगी। दोस्तों ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सारे क्रिकेट खेल रहे हैं दोस्तों। दोस्तों पता नहीं इस गाय को क्या है, बार बार मेरे पीछे आ रही है। लग रही इसने डंगा देख लिया, लाल कलर का, मेरे पीछे आ रही है। अभी तुम नीचे नहीं आ सकती, क्या पता आ ही जाए। फिर मैं गया, ये बहुत तेज़ी में आएगी। और मैं अभी चराई से जा रहा हूँ। सराज भाई लोग किधर गए पता नहीं, वो मैं जूम करके देख लेता हूँ। वो सराज भाई लोग हैं, आगे जा कर देखना पड़ेगा। मैं तो वही लग रहे हैं राज भाई। दोस्तों मैंने जूम करके देखा, वो सराज भाई लोग ही हैं। अच्छा, अभी भी जूम ही किया है। वो सामने असाम खड़ा है, वो सराज भाई लोग ही हैं। और एक और बात दोस्तों, अजान गया इस्लामाबाद आज। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं व्लॉग बना रहा था, तब उसे बाबा लेने आ गए, और वो अभी इस्लामाबाद चले गए। अभी वो आपको जुम्मे से देखने को मिलेगा। ये बैठा होया है कुत्ता, ये नीचे होया हुआ है, ये है कुत्ता, यही है ना। हाँ, ये कुत्ते है। मैं इससे इतने दूर खड़ा हूँ, और ये बहुत पास है मेरे, कैमरा में दूर नजर आ रहे। और मैं यहाँ पर बहुत दिनों बाद आई हूँ, पहले आता रहता था। ये आपको दिखा देता हूँ, यहाँ का व्यू पूरा ग्रास अभी ग्रीन हो रही है आस्ता आस्ता। और हम लोग दोबारा से पहाड़ी पे भी जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे भी पहाड़ी पे अभी क्या सीन चल रहा है वहाँ पर, क्या पता अभी और फूल लग गए हैं जहाँ से हमने तोड़े थे दोस्तों। और वो सामने से राज बनिए, अभी मैं ऊपर भी जाऊँगा, पूरा व्यू दिखाऊँगा। हम लगते हैं वहाँ पर कुकर मुन्ने भी लगी हुई बहुत ज़्यादा, जहाँ पर जो पहाड़ी पर लगे हुए थे दोस्तों। ये पता नहीं किस चीज़ के कारण है, वहाँ अंदर मैं नहीं जा सकता। एक बार हम लोग गए थे अंदर, कुत्ते बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे, वैसे नहीं बैठे हुए थे इस बार, पता नहीं बैठे हुए थे। अभी आगे जाते हैं, देखिए कितनी हरियाली हो गई है दोस्तों जी, जैसा सोचे थे यहाँ पर वैसा नहीं है। देखिए कितना गंद हो गया, वैसे हम लोग आते हैं गंद नहीं होता, दिल खराब हो गया। यहाँ पर पहले इतनी हरियाली होती थी, इतनी हरियाली होती, अभी नाले साले बन गए, आगे आगे हम लोग नहीं जा सकते। यहाँ से है ना रास्ता, यहाँ से और ऊपर जाने का कुछ हाल नहीं है, आगे भी नाला ही है। दोस्तों अभी हम लोग करने वाले हैं एक बंदे का फेस रिवील। तो वो बंदा कौन है? हमारा कैमरा मैन ही है, कैमरा मैन तो नहीं छोड़ वो नहीं, वो मेरे अहमद भाई का फेस रिवील होएगा। असम की वीडियो भी ज़्यादातर वही बुलाते हैं। अभी मैं आपको फेस रिवील करके बताता हूँ दोस्तों। ये हैं अहमद भाई। अहमद भाई कैमरा में हाई कर दे, आपका फेस रिवील हो गया दोस्तों। यहाँ का व्यू चेक करो, ये येलो येलो फूल लगे हुए हैं ये। और ये यहाँ का व्यू चेक करो, सबसे अच्छा मुझे यहाँ का लगा। और नीचे का व्यू चेक करो तो एकदम ज़ीरो, पहले की तरह एकदम जीरो हो गया।
और मैं भी आपको आगे जाके भी दिखाता हूँ दोस्तों, ये आगे का व्यू देख ले दोस्तों, ये बड़ा अच्छा व्यू है। वो सामने पहाड़ी है, हम लोग वहाँ पर गए थे, आपको याद होगा हम लोग वो दूर गए थे, वो दूर दोस्तों देख ले कितना प्यारा व्यू है। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं दोस्तों, अजीब सा मौसम है। और अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत तन में गुदा कट गया, पता नहीं वो यहाँ से उसके लिए जा रही थी, हमें पता नहीं चला। तो अभी हम लोग उतर रहे हैं यहाँ से, ये जगह बहुत गंदी होगी दोस्तों, यहाँ पर गंदा नाला है दोस्तों। अभी मैं बहुत पीछे रह गया, मुझे जाना ही नहीं आता था, नीचे चढ़ना ही नहीं आता था। और अभी चैलेंज आ जाएंगे, हाँ वो तो हफ्ते इतवार को आते हैं, अब तब तक अजान वापस आ जाएगा दोस्तों। हफ्ते इतवार को आप को बता कहीं दोस्तों पिछुकते करते क्या कर रहे हो शाम हो। हमें छोटी छोटी बकरियां हैं, और वहां पर मैं ब्लॉगिंग कर रहा था, एकदम सामने बोला कि कुत्ते, मेरे पीछे देखो इतने ज़्यादा कुत्तों का पूरा झुंड था दोस्तों। अभी हम लोग सरयू लाश के पास दोबारा से आ गए, पता नहीं किसकी लाश से इतनी गंदी बदबू आ रही है लाश से, मुझे लगता है बकरी या कुत्ते की लाश है। और इस जगह बहुत डेंजरस है दोस्तों, यहाँ से दूरी में रहूँगा इस जगह से। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में इतना ही, अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।